हरियाणा के चुनाव में प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थन में पूरा गांव घर घर जाकर लोगों से चुनाव में वोट की अपील करने में जुड़ रहा है। इसी कड़ी में उचाना से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री उचाना के सिड्डा माजरा गांव पहुंचे, जहां अलग अलग घरों में अत्री ने चाय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अत्री के पीछे गाँव के लोग भी उनके साथ चलते हुए नजर आए। मौके पर हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने देवेंद्र अत्री से आगामी चुनाव को लेकर ज्यादा बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हरियाणा के उचाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तो आपका खुद का परिवार भी आपके प्रचार में लगा और एक पीछे जो आपका परिवार चल रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, खुशी का मौका है। आज गांव सेडा माजरा में चाय के कार्यक्रम है और मेरे युवा साथियों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से स्वागत किया है। गदगद हूँ, बहुत खुश हैं। समाज का, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। मेरे पप्पू भाई है साथ में, सुबे सिंह पुनिया जी के भांजे हैं। इन्होंने अपने परिवार के साथ मुझे अपना विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि इससे बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता हमारे लिए। तो यहाँ थे तो चाय के कार्यक्रम, चाय पे चर्चा, लेकिन ये जनसभा का रूप ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं भाई साहब का भी धन्यवाद हूँ और सारा सेडा माजरा गांव का आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं छोटे कार्यक्रम एक जनसभा रैली बन जाते हैं, ये संभव कैसे हो पा रहा है? देखिए, लोगों का प्यार है, उत्साह है, लोगों में जोश है, क्योंकि जिस परिवार ने पीछे यहाँ राजनीति की है 50 साल से, वो दिल्ली चंडीगढ़ से राजनीति करी है। हम लोग आम आदमी के साथ जा रहे हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, आम परिवार से, तो लोगों में उत्साह है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है। युवा साथी जोश और उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं, तो कारवां आगे बढ़ रहा और विकसित उचाना का सपना जरूर साकार करेंगे। सर, अगर राहुल गांधी की बात करें तो आज भी हरियाणा पे दौरे पे हैं और दावा कर रहे हैं जो उनका मैनिफेस्टो है जनता उसी पर विश्वास करेगी। देखिए, जनता ने विश्वास करके हिमाचल में और तेलंगाना में देख लिया, हिमाचल में हालात देख रहे हैं अब क्या है। आज तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो भगवान है, हमारे लिए भगवान का रूप है, हम भगवान का रूप मानते हैं और जो भी हम मैनिफेस्टो में लेके आए 100% धरातल पे लेके आएंगे और 100% सभी घोषणाओं को पूरा करेंगे। चुनाव के दिन बेहद नजदीक हैं, आप कितनी मजबूती मानते हैं, कितने प्रतिशत जीत मान रहे हैं? हम 100% आश्वस्त हैं, जनता के आशीर्वाद से 100% आश्वस्त हैं। हम लोग यहां से कमल का फूल खिलाएंगे। शुक्रिया समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे यहां पर देवेंद्र अत्री को, जो कि उचाना से भाजपा के प्रत्याशी हैं। फिलहाल के इतना ही, सहयोगी पिंटू के साथ टोटल टीवी के लिए उचाना से विशाल सिंह।